देखिए दोस्तों, मैं राकेश कुमार यादव, मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रेलवे एग्जाम और एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, 4,000 रुपये बिक्री मूल्य वाली एक डाइनिंग सेट को 8% छूट पर बेचा जाता है, इस पर 10% का लाभ होता है, डाइनिंग सेट का लागत मूल्य क्या है? 8% छूट पर कितने में? 4,100 बिरानवे में, बिरानवे इंटू चार, चार दूनी आठ, चार नाम 36, 3,680, इस पर कितने का लाभ हुआ? 10%, 0 से 0 चलाया जाएगा दोस्तों। 11 का भाग, 11 तिया 33, 3 11 तिया 33, 5 11 चौक 44, 6 11 5 55, 11 चौक 44, 3345.4 रुपये इसका लागत मूल्य है। आगे देखिए दोस्तों, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 22 वर्ष है, 22 × 11 242 हो गई। जब टीम के कोच की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो औसत आयु 1 प्रतिशत, तो 12 खिलाड़ियों की हो जाएगी दोस्तों 23 वर्ष। अब 23 × 12, 23 × 2 46, 23 × 6 = 276 माइनस 242, 4 × 3, कोच की आयु 34 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। आगे देखिए, एक वर्ष की त्रिज्या 10% कम हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? वर्ष का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आर 2 बार, मतलब 10 से 9, 10 से 9, 9 9 81 100, कितने की कमी हुई दोस्तों? 19% की कमी होगी दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, 62 - 5 का कोष्टक 18 - 14, कोष्टक बंद, प्लस 5 × 7, 5 7 35, प्लस 18 - 14 4, 5 4 20, 62 - 20 प्लस 35, 62 और 35, 62 35 97 - 20 77। आगे देखिए दोस्तों, एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 8% का नुकसान होता है, 6% का लाभ 106, 46 × 53 रुपये में बेचेगा तो उसे 6% का लाभ होगा, 46 रुपये में बेचता 8% का नुकसान होता है। आगे देखिए दोस्तों, छठवा, एक व्यापारी 24,500 रुपये अंकित मूल्य के सोफा सेट के मूल्य पर 5% प्रत्येक पर 2 कार में छूट देता है, सोफा सेट का बिक्री मूल्य कितना है? 24,500 पर कितने प्रतिशत की? 5% की, ये 100 × 95, फिर एक बार 100 × 95, ये 19, ये भी 19, ये 20, ये 20, 0 से 0 चला जाएगा दोस्तों, 19 × 19, 361 × 245, 5 6 5 30, 0 3 5 15, 3 18, 4 6 4 24, 4 2 4 12, 13 14। आगे देखिए दोस्तों, 2 6 2 12, 1 1 7, 5 4 4 8 2 10 4 14, 1 2 2 4 5 6, 7 1 8 भाग 4, 4 1 4 2 9, 4 2 9 8, 4 1 4, 4 6 24, 4 1 4, 4 1 4, 21,611 रुपये 0.25 होगा उसका बिक्री मूल्य। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है, ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी 72 किलोमीटर 60 मिनट में तो 15 मिनट में 18 किलोमीटर। आगे देखिए दोस्तों, दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 6:16:9 है तो उनके परिमापों का अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ये कितना? 16 और 9 है तो 16 का 4 और 3 का 9 का 3, इनके परिमाप × 4 × 4, 4 से 4 चला जाएगा दोस्तों, 4:3 परिमाप। आगे देखिए दोस्तों, 9वां क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, चौड़ाई की 3 गुनी, 3 अक्ष × अक्ष = 27, 3 अक्ष² = 27, अक्ष स्क्वायर बराबर 9, अक्ष = 3, आयत की परिधि 3 × 6 तो 8 अक्ष, 8 अक्ष, 8 × 3, 8 = 24। आगे देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 12 एस सी एफ एल सी एम 12 और 240 है, एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों ऐसे होता है, एस सी एफ इंटू एल सी एम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एल सी एफ कितना? 12 × LCM 240, पहली संख्या कितनी?
24 दूसरी संख्या ज्ञात करना है, 12 दुना 24 दो 120 दूसरी संख्या x बराबर 120 धन्यवाद दोस्तों।